जिंदाबाद, 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 आनंद मोहन जिंदाबाद, 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 आनंद मोहन मत घबराना, मेरे पीछे सारा, आनंद मोहन मत घबराना, मेरे पीछे सारा, अजोर जोल के टक्कर में। देखिए न्याय मंच बिहार ने आज महाधरना का आयोजन किया है। जानकारी है कि महाधरना के कारण 2007 से जेल में बंद बिहार के युवाओं के कभी दिल के धड़कन रहे, जिनके एक आवाज पर बिहार के युवा खड़े हो जाते थे। आनंद मोहन जी एक केस में आज आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वर्ष 2007 में उन्हें आजीवन की कारावास की सजा मिली और आज 2019 हो रहे हैं। 12 बरस की लंबी समय उन्होंने जेल के अंदर व्यतीत किया है और इसके पूर्व भी इस कांड में वह कई महीनों तक जेल में रहे और आज के दिन में जो 14 बरस का सजा होती है आजीवन कारावास, वह सजा लगभग पूरी हो चुकी है। जेल मैनुअल के अनुसार उन्हें छूट मिलती है। सरकार अगर इसको जोर कर देखे तो आनंद मोहन की सजा कब की पूरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात रही कि इन 12 वर्षों लगातार में आनंद मोहन जी ने कभी पैरोल नहीं लिया। आनंद मोहन जी के ऊपर जेल का जो नियम कानून होता है उसके उल्लंघन करने का कोई FIR नहीं हुआ। तो इस तरह है कि उन्हें न्याय मिले और जो आज वो 14 बरस के सेवा को पूरा कर चुके हैं, उम्र को पूरा कर चुके हैं। एकमात्र यही आग्रह है कि आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आनंद मोहन जी को जेल से रिहा करें। कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाध्य होकर, सच्चाई से बाध्य होकर उनको छोड़ने की बात करें, नहीं तो आप एक बात करो, जाइए भी और करिए भी, कि जेल से फाटक टूटेगा, आज कौन छूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा।